अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज इसका तीसरा दिन है, असी क्लिनिक ते आ गए हैं। जिसने भी आना तो तुसी आ सकते हो। और एक भाई पूछ रहा है कि शादी से डर लगता है, घबरा जाते हैं, टांगे कांपते हैं। देखो, ये कोई आप ना कोई गलत फहमी में पड़ गए हो। जितना भी बंदा हतरस्ती करे या कोई मसले मसाइल करे, सब हर चीज़ का हल भी है और टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि साड़ा मोशरा जो है ना, वो थोड़ा सा ना इस तरह हो गया सोशल मीडिया की वजह से, या जड़े साढ़े जे गलत लोग बैठे हुए वो डरा देते हैं कि आपने गलत कारियाँ की, हतरस्ती की, तुसी मर गए तो लुट गए तो ये हो गया तो वो हो गया। अगर आपकी खुराक ठीक है, एक्सरसाइज है, वर्जिश है, कोई मसला नहीं। अपने दिल में आपने ये बैठाना है कि मैंने दो शादियाँ करनी है, तीन शादियाँ करनी है, कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं। जब आप में कॉन्फिडेंस होए और जेन में आपको ये चीज़ ना हो, डर खौफ ना हो जेन के ऊपर, आप कुछ भी कोई मसला नहीं आपको होएगा। इंशाल्लाह शादी कोर्स करावांगे आपको, बेशक दो शादियां कर लो, कोई मसला ही नहीं बनेगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं बढ़नी। लेकिन आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ज़रा थोड़ी सी अपने आप को फिट रखो। ये जेन में डालो ही ना कि मैं मर गया हूँ तो लुट गया हूँ तो ये हो गया तो वो हो गया, की बनेगा, मैं गलत कारियाँ की, हतरस्ती की, ये किसी हकीम के पास गया, उसने मेरे नब्ज़ देख लिया तो उसने कहा यार आप बिल्कुल ख़त्म हो, आपको 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी, 4 महीने खानी पड़ेगी। ये चीज़ जेन से निकाल लो। अपनी खुराक ठीक करो, एक्सरसाइज करो, वर्जिश रखो, सलाद का इस्तेमाल करो, बगैर दवाई भी आप ठीक हो जाओगे, लेकिन ये चीज़ जेन से निकाल लो। हाँ, खुदा नास्ता तुम बूढ़े हो गए हो, कोई समझ लो कोई 40-50 साल 70 साल का हो गया, वीकनेस आ गई तो आप दवाई खाओ। जवानी में आपको क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता। हर बंदा ही गलत कारियाँ करता, कोई ऐसे बंदा है ही नहीं जिसने गलत कारियाँ हतरस्ती नहीं की, हर बंदा ही करता। लेकिन जेन पे ना बैठाओ, अगर जेन पे बैठा लोगे तो और मसले मसाइल बन जाते हैं। अगर कुछ ज़्यादा इतलाम हो गया, ज़्यादा आपने हतरस्ती की, तो थोड़ी बहुत दवाई खा लो, रिकवर हो जाता है, कोई ऐसे मसला नहीं है। कोई चीज़ ऐसे है ही नहीं कि रिकवर नहीं होता, कोई टेंशन लेकर लेनी नहीं। जिसने भी आना है खालसे नौनी दवाखाना लाहौर सर्च करके आप इजी होके दवाखाने पर भी आ सकते हो। फ़ोन नंबर है 0303-433-172, 0345-433-172।